केरियन क्रूज ने रिटर्न कर लिया अपना एनएक्सटी चैंपियनशिप अगेंस्ट फिन बैलर और फर्स्ट टाइम टेडी बियर से इतने सालों बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिंग में दिखे और भी बहुत सारे चीज़ें हुई है आज एनएक्सटी में, तो उसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज एनएक्सटी की किक ऑफ होती है एम्बर मून एंड शॉर्टजी ब्लैकहार्ट वर्सेस डाकोटा काय एंड राकुल गोंजाल्विस के मैच से। और ये मैच मैं बोलना चाहूँगा एक बढ़िया मैच था, बेटर देन रॉ एंड स्मैकडाउन जो सुपरस्टार्स देते हैं, और एक बहुत ही बढ़िया मैच था। और इस मैच के एंडिंग में हमें देखने को मिलते हैं एम्बर मून एंड शॉर्टजी ब्लैकहार्ट यहाँ पे हरा देती है डाकोटा काय एंड राकुल गोंजाल्विस को। लेकिन मैच के बाद बहुत गुस्से में आ जाती है यहाँ पर राकुल गोंजाल्विस और यहाँ पर पूरी तरीके से ब्रूटली अटैक कर देती है शॉर्टजी ब्लैकहार्ट के ऊपर। तो शायद आगे चल के शॉर्टजी ब्लैकहार्ट को भी मौका मिल सकता है फॉर द एनएक्सटी वुमेन्स चैंपियनशिप। नेक्स्ट हमें शो पे देखने को मिलता है पीट डन वर्सेस बॉबी फिश का मैच। और बहुत दिनों बाद यहाँ पे बॉबी फिश का मैच हो रहा था क्योंकि बहुत सालों बाद वो रिटर्न आए लगभग एक साल के करीब। और इस मैच में मैं कहूँगा एक टेक्निकल वेस मैच था और काफ़ी यहाँ पर स्लो पेस भी इसीलिए चल रहा था क्योंकि एक टेक्निकल मैच था और यहाँ पर काफ़ी हार्ड हिटिंग मूव्स हमें देखने को मिल रहे थे दोनों की तरफ से। लेकिन मैच के एंड में हमें देखने को मिलता है यहाँ पर पीट डन हरा देते हैं बॉबी फिश को। और मैच के बाद यहाँ पर पीट डन एंड ओनी लॉर्गन दोनों यहाँ पर अटैक कर रहे थे बॉबी फिश को, लेकिन उनको बचाने के लिए कोई नहीं आया जो देख के मैं सरप्राइज हुआ क्योंकि यहाँ पे लास्ट टाइम जब केलो रैली को ये दोनों अटैक कर रहे थे तब यहाँ पे खुद बॉबी फिश आए थे, लेकिन आज यहाँ पे बॉबी फिश के अटैक पे केलो रैली नहीं आए। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है यहाँ पे मर्सिडीज मार्टिनेज का मैच होता है जाइडर रमियर के साथ। और यहाँ पर मर्सिडीज मार्टिनेज जाइडर रमियर के मैं बोलना चाहूँगा ठीक ठाक मैच था, उतना भी बुरा मैच नहीं था। और इस मैच के रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर मर्सिडीज मार्टिनेज ने हरा दिया जाइडर रमियर को। लेकिन मैच के बाद यहाँ पर जाया ली आती है और यहाँ पर मार्क कर देती है मर्सिडीज मार्टिनेज को हैंड को। तो शायद आगे चल के अब जाया ली एंड मर्सिडीज मार्टिनेज की फ्यूड हमें देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर रिंग में देखने को मिलते हैं टेडी बियर्स एंड कैमरून ग्रिव्स। और रिंग में आते हैं एक दोनों के यहाँ पर फेस ऑफ करते हैं और यहाँ पर इन दोनों के पर इंटरप्ट करते हैं लान नाइट। और यहाँ पर लान नाइट पहले रिंग में आते हैं लेकिन कैमरून ग्रिव्स उनको वार्न करते हैं कि अगर तुम रिंग में आए तो मैं तुम्हें ऐसा मारूंगा कि तुम सीधा मून में चले जाओगे। लेकिन यहाँ पर लान नाइट आते और उनको ही मार के चले जाते वहाँ से। और इसके बाद टेडी बियर से कैमरून ग्रिव्स को बोलते हैं कि अभी भी उनको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर मैच देखने को मिलता है फ्रैंकी मोनेट का और ये उनका डेब्यू मैच था। और मैं बोलना चाहूँगा बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया पर फ्रैंकी मोनेट ने अपना डेब्यू मैच में। और इस मैच में उन्होंने एक ऐसी टैलेंट को हरा दिया जिसका नाम था कोडा जेड। और इस मैच को उन्होंने जीत लिया और पहला अपना डेब्यू मैच जीत लिया इन WWE। नेक्स्ट शो पे हमें देखने को मिलते हैं पर न्यू NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन बॉन्सन रीड रिंग में आते और सेलिब्रेट कर रहे होते लास्ट टाइम उन्होंने जब जीता था NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप उसका। लेकिन इस बार उनको इंटरप्ट करते द सैंटोस एस्कोबार और यहाँ पर एस्कोबार बोलते हैं कि ये नॉर्थ अमेरिकन जो चैंपियनशिप है ना ये मेरे मैक्सिको को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये मेरे पास होना चाहिए ना कि तेरे पास। और इसके बाद ब्रॉन्सन रीड में गुस्सा जाते और बोलते हैं कि आजा तो फिर लड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर लेगार्डो डेल फैंटास्मा यहाँ पर घेर लेते हैं ब्रॉन्सन रीड को, लेकिन इनको बचाने इस बार आते MS को और MS की इनको बचा लेते हैं। नेक्स्ट हमें विलियम रिगल की तरफ से एक बिग अनाउंसमेंट सुनने को मिलता है और ये अनाउंसमेंट ये था कि पीट डन वर्सेस केलो रैली वर्सेस जॉनी गार्गानो का मैच देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीक हमें इन ए ट्रिपल थ्रेट मैच। और जो भी इस मैच को जीतेगा वो NXT चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे एट NXT टाइटल एट इन योर हाउस। तो यहाँ पर देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि नेक्स्ट वीक कौन बन पाता है NXT का नंबर वन कंटेंडर। इसके अलावा नेक्स्ट वीक MS के अपने NXT टैग टीम चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे अगेंस्ट लेगार्डो डेल फैंटास्मा। और शो की मेन इवेंट में हमें देखने को मिलते हैं केरियन क्रूज वर्सेस फिन बैलर फॉर द NXT चैंपियनशिप। और क्या ही मैच था, मेरे ख्याल से मैच ऑफ द नाइट यही था आज का। अरे मैच की स्टार्ट होती है अच्छे पेस पे, लेकिन इस मैच के थोड़ी देर बाद केरियन क्रूज डोमिनेट कर रहे थे फाइट को और उन्होंने अपना सबमिशन भी लगा दिया था फिन बैलर के ऊपर, लेकिन बैलर किसी तरीके से उससे बाहर निकलता है। इसके बाद केरियन क्रूज फिन बैलर को लेके यहाँ पे बैरिकेड के पास जाते हैं और उनको एक ब्रूटल स्प्लैश देते हैं। इसके बाद फिन बैलर को लेकर कमेंट्री टेबल पर भी एक पावर बम लगा देते हैं। इसके बाद रिंग में आती फिन बैलर केरियन क्रूज के ऊपर एक पैकेज टाइप सुप्लेक्स मार देते लेकिन केरियन क्रूज किक आउट कर देते।
इसके बाद फिन बैलर केरेन क्रूस को अपने सबमिशन में फंसा लेते और रेफरी को लगा कि केरेन क्रूस आउट हो चुके और रिंग बजाने जा रहे थे, लेकिन तभी केरेन क्रूस अपना हाथ ऊपर फैला देते और इससे रेफरी समझ गया कि वो नॉकआउट नहीं हुए। इसके थोड़ी देर बाद केरेन क्रूस ने फिर से यहाँ पर मैच पर अपने पकड़ बना ली और फिन बैलर को अपने सबमिशन में फंसा लिया और फिन बैलर नॉकआउट हो गया और केरेन क्रूस ने इस मैच को जीत लिया और रिटेन कर लिया अपना एनएक्सटी चैंपियनशिप, जो कि मेरे काफ़ी शौक नहीं हुआ क्योंकि प्रेडिक्टेबल था, मुझे लग रहा था केरेन क्रूस इस मैच को जीतेंगे। और इसके बाद एनएक्सटी ऑफर चले जाते हैं, तो देखने वाली इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगी कि आने वाले टाइम में केरेन क्रूस का नेक्स्ट ओपोनेंट कौन होता है फॉर द एनएक्सटी चैंपियनशिप। तो यही तक थी आज एनएक्सटी की हाइलाइट्स एंड रिजल्ट्स। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।